जिहड़ी मेरे हाथ दे सरकारी पर्ची है, तुसी आप दसो कि कभी कोई सरकारी अदारे वाला हॉस्पिटल किसी मरीज नूं प्राइवेट दाखल करन लई या उन्हूं रैफर कर सकदे? जे सरकारी हॉस्पिटलों ने मरीजों नूं प्राइवेट ही भेजना है फिर सरकारी हॉस्पिटल कहदे लई खुले ने? एडा क मेरे बारे गलत बोलिया गया और वीडियोज़ तक सोशल मीडिया के मूहरे आई हैं जिद मेरी मदर बारे मेरी सिस्टर बारे बोलिया गया कि तेरे घर माँ भैन है नहीं, तू SMO मैडम इदा बोल के आया। मेरे वर्गा बंदा अपना काम कार छड़ के संस्था क्यों खोली फिरदा है? कोई धंधा? हजारा संस्थावां पंजाब दे विच वड्डियां वड्डियां काम कर रही सारियां धंधा नहीं कर रही। जे कोई रोड से बंदा एक्सीडेंट नाल मर रहा हुंदा है तुसीं उहनूं चक के लैके जाने हो इलाज कराने के उहनूं ये छड़ देने हो कि यह सरकार की 108 की जिम्मेदारी है वो लैके जाएगी? करोना के जे सरकार ने छड़ देंदे तां फिर अद्धी दुनिया मर गई सी, फिर संस्थावां ही काम आईआं। जो असी SMO मैडम को बैठते हैं वह सरकार दिक्कतां दसनिया शुरू कर देंदे आ, जो सरकार को बैठते हैं वह कहें जी साडे थले लीडर जिहड़े सरकारी अधिकारी ने करप्ट ने, सिविल के अंदर डॉक्टर 20 दवाइया लिख के दिंदा अंदरों 10 नहीं मिलदियां। पर फिर भी पिछले 7 साल तो जिन्ना क साडा तजर्बा असी सरकार नूं इही गुहार लांदे रह गए कि एक जिहड़ी MRP तुसीं सूई के पत्ते ते लाने हो या शराब की बोतल ते लाने हो जेनरिक दवाइया के पत्तियां ते क्यों नहीं MRP लगदी? तो पिछले 4 साल तो जिहड़ी संस्था सिविल दे विच बह के सेवा कर रही थी वह सानू सलाह दिंदी सी कि असल लोड़मंद ते गरीब बंदा सिविल चो मिलो, सिविल चो लो जे लैणा। तो सिविल दे विच अज एक अननोन वार्ड दे विच बंदा लवारस हालातों दे विच बिना कपड़िया तो दम तोड़ गया तो अज मैं मजबूर हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करन नूं। तो SMO मैडम ने बड़ा लापरवाही वाला स्पष्टीकरण दिता है, कहिंदे जी बंदा मर गया लवारस दे लवारस वार्ड दे विच बिना कपड़िया तो। कोई नहीं, मैं इस गल की जांच कर दी कि केड़ी संस्था के अंडर ये सिविल हॉस्पिटल का अननोन वार्ड सीगा। कि मैडम मैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर बैठना रोज़ तो 1-2 लाख रुपए की डोनेशन जी रोज़ की प्राइवेट हॉस्पिटल में दे के उसका ढिड भरदा, तो क्यों ना मैं सिविल की सेवा दी जाए? मैं रोज़ की सेवा जी दान की सेवा वो लोगों के पैसे की लोगों को सिविल च दवाव कि जे मैं ही सिविल भंडन लग गया तो मैं किहड़े मूंह नाल लोगों को कहूँगा कि सिविल जाके इलाज कराओ? इसलिए मैं अज तक सिविल हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं बोलिया। तो मैं लगता है कि लुधियाने शहर में आवाज़ चकनी चाहिए है, जे कोई NGO वाला गलत कर रहा है वह जलूस कड्डो, भावें अनमोल कवात्रा हो कोई भी हो। मैं पहले तो सारे मीडिया वाले का बहुत धन्यवादी हूँ कि तुम अपना कीमती टाइम कट के इतने आए हो। असल दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती तो मेरी 27 मई की सी, पर मैं जिमें वेट कर रहा सीगा कि मैं ना जवाब देवां प्रेस कॉन्फ्रेंस राही, वक्त परमात्मा जवाब आप देगा। तो अज जिहड़ी न्यूज़लाइन हैडलाइन 26 तरीक नूं मेरी खबर लगी सी उस अखबार के अज हैडलाइन मैं पढ़ी जदों सवेरे, हालाते सिविल। तो सिविल दे विच अज एक अननोन वार्ड के बंदा लवारस हालातों के बिना कपड़िया तो अज दम तोड़ गया, तो अज मैं मजबूर हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करन नूं। इहदे 2 कारण है, जदों भी किसी अदारे नूं लैके तुहानूं दिक्कत हुंदी है ना तो तुसीं पहलां जिहड़ी दिक्कत है उस बंदे कोल जांदे हो, उस तो बाद उहदी शिकायत करन या उहदी प्रॉब्लम लैके सरकार कोल जांदे हो। मैं दोनों जगावां ते जाण तों बाद तीजा मीडिया अगे बैठा, मैं सिविल हॉस्पिटल दे SMO मैम होर तमाम लीडर्स शहर दे जिन्हां नूं लोकां ने वोटां पा के जिताया, मैं पहलां उहनां नूं मिलिया। 7 सालां तों तकरीबन मैं सब नूं मिलदा ही आ रहा सिविल हॉस्पिटल दे विच SMO मैम नाल, तां मैं ना जाने अणगिनत वार बैठ चुका कि मेरी मैडम उम्र जरूर छोटी है पर मैं पंजाब लई अपने लुधियाने शहर लई कुछ करना चाहना, तो मैं हमेशा मैडम नूं कहना कि मैडम मैं सिविल हॉस्पिटल दे बाहर बैठना रोज़ तो 1-2 लाख रुपए की डोनेशन जी रोज़ की प्राइवेट हॉस्पिटल में दे के उसका ढिड भरदा, तो क्यों ना मैनूं सिविल की सेवा दी जाए? मैं रोज़ की सेवा जी दान की सेवा वो लोगों के पैसे की लोगों को सिविल च दवावां। तो मैडम ने हमेशा कहना कोई नहीं सोच विचार करते हैं, सोई नहीं सोच विचार करते हैं। लास्ट टाइम जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता ने, मीडिया नूं पता है कि नहीं पता, पर अखबारों के अखबारां ढेर लगियां पईआं 25-30 अखबारों कोई गल ऐसी नहीं आ, मैं सारे अखबारों के हैडलाइनस कढ़ियां तो मेरे खिलाफ़ जी हैडलाइनस लगियां 27 मई तो बाद। मैं बड़ा कौड़ा घुट भर के अपने आप से कंट्रोल करके बैठा कि कोई गल नहीं अनमोल तू सच्चा है, वक्त जवाब देगा, क्योंकि जो तुहाडे कोल अपना स्पष्टीकरण देने लई कोई सबूत ना हो कि तुसीं सच्चे हो फिर रब ते छड्डी दी। मैं रब ते छड्डी ते अज 15 जून नूं मेरे पहली फ्रंट पेज की अखबार लगी जिथे मीडिया वाले ने सवाल पूछे SMO मैडम नूं कि मैडम तुहाडे सिविल हॉस्पिटल दे विच एक अननोन वार्ड दे विच ओह अननोन वार्ड जिहदियां टाइलां तक साडे डोनरां वल्लों लवाईआं गईआं जिहदे च बैड पए साडे डोनरां वल्लों दित्ते गए ने, भावें उहदी अथॉरिटी अज किसी होर संस्था दे कोल है, मैं उहदा वी नाम नहीं लैणा चाहुंदा क्योंकि मैं मीडिया च कदी वी सेवा करन वाले बंदिआं नूं उछाल के नाम उहनां दा सेवा खराब नहीं करदा, भावें उह गलत होण सही होण, मैं कहिंदा भावें उह गलत वी होण 2 मरीजां दी तां भला कर रहे हैं। तो SMO मैडम ने बड़ा लापरवाही वाला स्पष्टीकरण दिता है,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਲਵਾਰਸ ਦੇ ਲਵਾਰਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਵਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੋ ਚਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਭੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰੂਫ ਹੈ ਦਊਂਗਾ। ਐਡਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ SMO ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ SMO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਹਰੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਉਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 3-4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਨਾ ਮੋਹਰੇ। ਆਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਿਆਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਿਆਮ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ DMC ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SMO ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 5-6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ 20 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ SMO ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਐਥੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ MRP ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MRP ਲੱਗ ਰਹੀ? ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ DMC ਡਾਕਟਰ ਦਾ
जिद डॉक्टर मन रहे हैं। बाकी इदा के प्रूफ तो सिविल होस्पिटल कभी तुम आप ही जाके स्कैम कटो तो रोज़ के भी मिल जाने थोड़ा अनमोल जिते भी सेवा कर जाते हो हर पास विवाद होंगे शुरुआत तो देख रहे हैं जोड़े भी होस्पिटल गए हैं हर बार विवाद होंगे हम सिविल होस्पिटल तो सेवा शुरू ही की शुरू करते हैं अजय मैं लगता महीना भी नहीं होया तो विवाद देखो जी ये तो जवाब देना मेरे लिए कोई बहुत औखा नहीं है तो जनता ही जवाब दे देगी जिहड़ा जिहड़ा बंदा सच के राह ते चलेगा हुण तुसीं मीडिया वाले भरा हो तुसीं एक अद्धा कोई ऐसा केस फड़ लो जिहनूं कोई नहीं फड़दा जे तो कोई भी बंदा डरदा जे तुसीं भी फड़ लोगे तो तुहानूं भी लोग कई कहणगे कि शायद इन्हें कुछ करन लई कर लिया बाकी एनजीओ नाल कदे नहीं होया बाकी भी सेवा करदे ने नहीं इदां दी गल नहीं है बाकी एनजीओ नाल भी रौला बहुत पैंदा पर कोई ऐसी एनजीओ दिखाओ जिहड़ी सरकारी होस्पिटल नाल मत्था लैके लोगों की सेवा करना चाहती है मैनूं तां वधिया सरकार बारे चार गल्लां मिलियां अज तक क्यों नहीं सिविल होस्पिटल के खिलाफ कोई इंटरव्यू की मेरे को क्लिप्स पईयां मैं तुहानूं दे भी दूंगा जिदे च पेशेंट आके साडी वीडियो च सिविल होस्पिटल बारे इन्नी गुबार कढ़ रहा मैं फिर भी उन्हें चुप करा रहा कि रहण दे उहदा कारण सी कि जे मैं ही सिविल भंडण लग गया तो मैं किहड़े मूंह नाल लोकां नूं कहूंगा कि सिविल जाके इलाज कराओ इसलिए मैं अज तक सिविल होस्पिटल के खिलाफ नहीं बोलिया अज भी मैं खिलाफ नहीं बोल रहा सिर्फ मैं तुहानूं एक दुनिया का चक्कर व्यू जिहड़ा घूमदा हुंदा उह दिखा रहा कि जेहड़े फ्रंट पेज ते मेरी खबर लगी सी कि अनमोल नूं बोलण दी अकल है नहीं या अनमोल इदां अनमोल उदां उहदे च इह वी कहा गया सी कि जे छोटी जी उम्र दा मुंडा आके सानूं दसेगा तां सॉरी टू से साडा काम करना इत्थे मुश्किल हो जाएगा और मैं दस देना चाहना कि सिविल होस्पिटल की जिहड़ी उस दिन की अंदर की रिकॉर्डिंग है वो मैं मीडिया नूं हत्थ जोड़ के बेनती कि तुसीं मेरे वल बिल्कुल ना जायो तुसीं खुद वो रिकॉर्डिंग कढ़ा के SMO मैडम ने बाकी मीडिया चैनल नूं भी दित्तियां तुसीं भी चलायो कि उस दे विच दसो लोगों नूं कमेंट करके कि कित्थे अनमोल ने बदतमीजी की है और जिहड़े शहर के लोगों ने मेरे खिलाफ़ वीडियोज़ पा पा के कहा कि इहदे घरे भैण है नहीं माँ है नहीं हुण मैं उन्हां नूं पुछदा तुहाडे किन्ने कि जमीर जागदे ने इस गल का जवाब दिओ एक बंदा बिना कपड़िया तो सिविल होस्पिटल तड़प तड़प के मर गया इहदा जवाब दिओ हुण तुसीं सारे तो मैं लगता है कि लुधियाणे शहर में आवाज़ चकनी चाहिए है जे कोई NGO वाला गलत कर रहा उहदा जलूस कढ़ो भावें अनमोल कवात्रा होवे या कोई भी होवे सिविल होस्पिटल दे विच देखो जी सरकारी अदारा की हुंदा लोकां दी सुविधावां लई ओह जगह बणदी है तो असी जिवें दान दे पैसे नाल लोकां दी मदद कराने आ कोई असी अपने घरों तां पैसे दिंदे नहीं लोक ही दिंदे ने तो पिछले चार सालों तो जिहड़ी संस्था सिविल दे विच बह के सेवा कर रही सी ओह सानूं सलाह दिंदी सी कि असल लोड़मंद ते गरीब बंदा सिविल चों मिलो सिविल चों लओ जे लैणा लुधियाणे च जे असल च किसी नूं इलाज की लोड़ है तो तुहानूं बंदा सिविल मिलेगा तो जदों साडा सिविल नाल वाह पैना शुरू होया सिविल दे मरीजां दे हज़ारां रुपए दे लखां रुपए दे ऑपरेशन जिहड़े मैं तुहानूं जे डिटेल देण ते आवां तां किन्ने ऑपरेशन जिहड़े ओह मरीज दो दो महीनों तो तड़प रहे सी असीं उहनां दे ऑपरेशन फ्री कराए ने और उत्थे दे डाक्टरां दे हत्थ जोड़दे रहे कि असीं प्राइवेट होस्पिटलां दे डाक्टरां दा ढिड भर रहे हां ओह पैसे असीं तुहानूं दे दिंदे हां पर ओह किसी गल मन्नण नूं तैयार नहीं हुण सिविल होस्पिटल अननोन वार्ड की जो हालत सीगी जे मैं तुहानूं पुरानी वीडियो कढ के दिखावां तां तुहाडा तुसीं मैं एक भी बंदा उत्थे 5 मिनट नहीं खलो सकदा इन्नी स्मैल लैटरिन बाथरूम वो पेशेंट विच करदे ने मैंटली अपसैट हुंदे ने कोई घर बार नहीं हुंदा उस वार्ड नूं बनाउण लई साडे टीम ने सलाह की कि असीं डोनरा द्वारा वो टाइलां लवाईए साडे एक डोनर ने टाइलां भेजियां एक डोनर ने बैड भेजे अगे अगे असीं मैडम नूं कह रहे सी कि सानूं दे दो अथॉरिटी ते इहदे च जो जो तुसीं कहोगे जिदा जिदा कहोगे असीं उदा उदा करावांगे पर साडा कोई सरकार नूं तां पैसा लाउण दी लोड़ ही नहीं जे अगर प्राइवेट बंदे तुसीं संस्था तुहाडीआं सेवा कर रहीआं ने ते फिर सरकार ही जिहड़ी सरकार चलाउण दा कोई फायदा ही नहीं देखो जी सरकार संस्था क्यों खुलदी है मेरे वर्गा बंदा अपना काम कार छड्ड के संस्था क्यों खोली फिरदा है कोई धंधा है हज़ारां संस्थावां पंजाब दे विच वड्डियां वड्डियां काम कर रही सारियां धंधा नहीं कर रही पर मैं तुहाडे सवाल तुसीं बहुत सोहणा पुछिआ कि जे काम तुसीं करना फिर सरकारां दा की फायदा पर बाई जी मेरे को गल दा जवाब दिओ तुसीं सारे भरा मीडिया वाले अज पहुँचे हो इंसानियत तां तुहाडे अंदर भी होएगी जे कोई रोड ते बंदा एक्सीडेंट नाल मर रहा हुंदा तुसीं उहनूं चक के लैके जांदे हो इलाज कराउण के उहनूं इह छड्ड दिंदे हो कि इह सरकार दी 108 दी जिम्मेदारी है उह लैके जाएगी इंसानियत नाते साडे वी गुरसाहिबां ने सानूं सेवा दा हुक्म दित्ता है और जिथे सरकार फेल हुंदी है जिथे सरकारां हुण करोना दे विच जे सरकारां दे छड्ड दिंदे तां फिर अद्धी दुनिया मर गई सी फिर संस्थावां ही कम आईआं तां सरकार तों बाद संस्था उदों जन्म लैंदी है जदों गौरमेंट फेलियर सिस्टम हुंदा तां उह सिस्टम फेलियर हुंदा तां ही NGOs जन्म लैंदियां उह NGOs जन्म तां लैंदियां कि लोकां दी सेवा कर सकीए।